अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, इस चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए फिर देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि एक न्यूमेरिकल यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर क्वेश्चन लिखा है कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया रेखा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित हो जाता है। पिंड पर किया गया कार्य है, तो हमसे यहां पे पूछा जा रहा है कि पिंड पर किया गया कार्य है, यानी हमें यहां पे W की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वर्क हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें यहां पे क्वेश्चन में दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे बल पता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 50 न्यूटन का बल ना, तो हमें यहां पे F की वैल्यू कितनी दी गई है। F की वैल्यू फोर्स हमें कितना दिया है, फोर्स हमें यहां पे 50 न्यूटन दिया हुआ है, 50 न्यूटन ये हमें यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें यहां पे क्या पता है, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है यहां पे 30 डिग्री दी हुई है, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ये हमें दी हुई है, ये हमें पता है। फिर इसके बाद दिखा कि 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, ठीक है, यानी S की वैल्यू हमें कितनी दी है, विस्थापन कितना दिया है, S की वैल्यू हमें यहां पे दी हुई है 5 मीटर, ये हमें यहां पे पता है। फिर हमसे पूछा गया कि पिंड पर किया गया कार्य है, यानी W की वैल्यू हमें यहां पे निकालना है। तो W इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। W इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है F इंटू S इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है। तो अब इसी फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो F की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 50 न्यूटन ना, तो F की जगह 50, फिर इनटू S की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, S यानी विस्थापन कितना है 5 मीटर ना, तो 5 हो जाएगा, इनटू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो cos कितना हो जाएगा, cos 30 डिग्री ये नीचे मैंने यहां पे लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए 50 यानी 50 और गुणे 5, ये तो ऐसे ही रहेगा, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यही तो होती है, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहां से ये 2 × 2 आपका हो जाएगा, और फिर यहां से ये 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बचा क्या हमारे पास, ये 2 तो यहाँ पे पूरा कैंसिल हो चुका है 2 × 2, और यहाँ पे सॉल्व किया तो 2 × 2 = 4, एक इधर जाएगा 2 × 5 = 10, यानी अब हमारे पास बचा है 25 × 5 और √3, ये बचा हुआ है ना 25 × 5 × √3। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 25 × 5 और √3 ये हमारे पास बचा हुआ था। अगर 25 × 5 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25 × 5 होता है 125, कितना होता है 125 होता है, और गुड़े में √3 आपका है, तो √3 यहां पे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 125 √3 जूल, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 और √3 यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि एक यात्री के पास 20 किलोग्राम की अटैची है
और वह 10 मिनट तक उसे लेकर खड़ा रहता है। अटैची पर किया गया कार्य है, तो हमसे यहां पे क्या पूछा जा रहा है, अटैची पर किया गया कार्य हमसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके डिटेल में समझा देता हूं। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन लिखा है कि एक यात्री के पास 20 किलोग्राम की अटैची है और वह 10 मिनट तक उसे लेकर खड़ा रहता है, तो अटैची पर किया गया कार्य, तो अटैची पर जो किया गया कार्य होगा ना वो क्या होगा, वो शून्य होगा यानी जीरो होगा। अब जीरो क्यों होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि 10 मिनट तक वह उसे लेकर खड़ा रहता है, यानी जो यात्री था वो अटैची को लेकर सिर्फ खड़ा है ना, वहां पे खड़ा रहता है, यही तो यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं है, जब कोई विस्थापन ही नहीं हुआ है तो कार्य भी नहीं होगा, जब विस्थापन नहीं हुआ है तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य भी यहां पे जीरो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा यानी शून्य। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही आपका पूरा सलूशन दिया गया, साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है कि 10 मिनट तक उसे लेकर खड़ा रहता है। देखिए एक यात्री के पास 20 किलोग्राम की अटैची है और वह 10 मिनट तक उसे लेकर खड़ा रहता है, जब 10 मिनट तक उसे लेकर खड़ा रहता है यानी यहां पर विस्थापन तो हुआ नहीं है, जब विस्थापन होगा नहीं तो कार्य भी नहीं होगा, तो कार्य कितना हो जाएगा, शून्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटली आपका ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि एक पंप द्वारा 100 किलोग्राम पानी 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ता है, उसकी शक्ति है, हमें यहां पे शक्ति ज्ञात करनी है पंप की, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक पंप द्वारा 100 किलोग्राम पानी 20 मीटर की ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ता है, उसकी शक्ति है, यानी पंप की शक्ति हमें यहां पे ज्ञात करनी है, और यहां पे जी की वैल्यू हमें दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यह क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या चीजें यहां पे दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पे पता है द्रव्यमान। देखिए यहां पे लिखा है ना कि एक पंप द्वारा 100 किलोग्राम पानी, तो हमें यहां पे सबसे पहले क्या पता है, हमें यहां पे द्रव्यमान M की वैल्यू पता है। द्रव्यमान M हमें कितना दिया गया है, 100 किलोग्राम दिया गया है, तो ये मैंने यहां पे सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि 20 मीटर ऊंचाई पर बने, यानी हाइट, ऊंचाई कितनी दी गई है, 20 मीटर दी गई है, तो देखिए ऊंचाई H इज इक्वल टू हमें कितनी दी गई है, 20 मीटर, ये मैंने यहां पर लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा है कि 10 सेकंड में चढ़ता है, यानी समय कितना दिया है, समय t इज इक्वल टू हमें यहां पे दिया गया है 10 सेकंड, ये मैंने यहां पे लिख दिया। और g की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी यहां पे दी गई है, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, तो ये भी मैंने यहां पे लिख दिया है। फिर हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि उसकी शक्ति है, यानी हमें यहां पर सामर्थ्य ज्ञात करनी है पंप की, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पर शक्ति p इज इक्वल टू हमें यहां पर यही निकालना है, सामर्थ्य हमें यहां पे निकालना है, चाहे आप शक्ति बोलिए चाहे सामर्थ्य बोलिए, बात एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। तो P is equal to हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, P is equal to फॉर्मूला आपका होता है W अपॉन T होता है, ठीक है। और W is equal to आपका एक फॉर्मूला होता है MGH, तो W is की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MGH और अपॉन में T, ये आपका रहेगा ही, तो इसी फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो नीचे देखिए P इज इक्वल टू W अपॉन T लिखा, W इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है MGH और अपॉन में T है, तो T तो रहेगा ही। अब इसी में MGH में सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, T की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो देखिए एम की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, एम की जगह रखेंगे हम 100 किलोग्राम को, यही तो हमें द्रव्यमान दिया है, तो 100 रखा। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
स्क्वायर क्वेश्चन में दी गई है, 10 यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद h हाइट कितनी दी गई है, 20 मीटर, ये यहाँ पे रख दिया। अपॉन में t समय कितना दिया गया, 10 सेकंड, तो ये 10 यहाँ पे रख दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये 10 से ये 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सीधे सीधे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 100 × 20 बचा है, और अगर आप 100 × 20 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2000 वॉट मिलेगा, यानी 2000 वॉट ये मिलेगा। अब 2000 वॉट है, इसको क्या करेंगे हम, किलोवाट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर आपका क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर आपका क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 1000 वॉट, यही तो होता है। 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 1000 वॉट। अब यहां पे 2000 वॉट लिखा है, तो 2000 वॉट में कितने आपके किलोवाट हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 2 किलोवाट। क्या हो जाएगा, 2 किलोवाट हो जाएगा ना, यही तो होगा, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर आपका 1000 वॉट होता है। अब यहां पे 2000 वॉट है, तो 2000 वॉट में कितने किलोवाट होंगे, 2 ही किलोवाट तो होंगे, तो करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा 2 किलोवाट। आई होप आप उस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। यहां पे देखिए लास्ट में आपको चेंज भी करना है, वॉट को किलोवाट में चेंज करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 2 किलोवाट कहां पे दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला आपको पता है, तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थ्योरी पार्ट में मैंने आपको सभी फॉर्मूले ऑलरेडी बता दिए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो यहां पर क्वेश्चन भी उनको बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 किलोवाट, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल ही दिया गया है। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि जल टरबाइन के ब्लेड्स पर 6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मिनट, यानी पर मिनट की दर से पानी 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यदि g = 10 m/s² है, तो टरबाइन को प्राप्त सामर्थ्य है, यानी P हमें यहां पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, P की वैल्यू हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, जिनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहां पर पता है द्रव्यमान, द्रव्यमान एम की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, ये देखिए 6 × 10⁻³ किलोग्राम, ये हमें सबसे पहले पता है। यहां पर लिखा है ना कि जल टरबाइन के ब्लेड्स पर 6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मिनट की दर से, तो देखिए यहां पे m की वैल्यू जो हमें दी गई है, द्रव्यमान m इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 6 × 10⁻³ किलोग्राम, ये हमें दिया गया है। अब इसके बाद देखिए समय हमें कितना दिया गया है, समय यानी टाइम कितना दिया गया है, तो t की वैल्यू हमें यहां पे 1 मिनट दी गई है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, यहां पे लिखा हुआ है कि जल टरबाइन के ब्लेड्स पर 6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मिनट, प्रति मिनट यहां पे लिखा हुआ है ना, यहां पे प्रति मिनट लिखा हुआ है, इसका मतलब t की वैल्यू हमें यहां पे 1 मिनट दी गई है, समय हमें यहां पे 1 मिनट दिया गया है। यही लाइन आपको यहां पे समझना है, अगर यहां पे गलती कर देंगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। प्रति मिनट दिया, इसका मतलब t की वैल्यू 1 मिनट हमें यहां पे दी हुई है। तो यहां पे देखिए नीचे मैंने लिखा t की वैल्यू कितनी दी है, 1 मिनट, और 1 मिनट को हम चेंज कर लेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकंड होता है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड हो जाएगा, ये समय t की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद देखते हैं हमें और क्या दिया गया है, तो देखिए हमें यहां पे ऊंचाई दी गई है, हाइट 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है ना, तो h की वैल्यू 10 मीटर हमें दी गई है, तो देखिए ऊंचाई h की वैल्यू मैंने यहां पे 10 मीटर लिख दी, और g की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10 m/s², देखिए ये क्वेश्चन में दी गई है ना, तो ये भी मैंने यहां पे लिख दिया, g की वैल्यू 10 m/s². हमें यहां पे सामर्थ्य p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहां पे पूछा गया, तो टरबाइन को प्राप्त सामर्थ्य है, p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो
P इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला W अपॉन T होता है, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, P इज इक्वल टू W अपॉन T, और W इज इक्वल टू आपका क्या होता है, W इज इक्वल टू आपका MGH होता है। तो देखिए W की जगह हम MGH रख देंगे और अपॉन में T तो आपका रहेगा ही, क्योंकि T यहां पे है तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा MGH अपॉन T। अब देखिए इसी में हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू 6 × 10⁻³ किलोग्राम, तो 6 × 10⁻³ यहां पे रख दिया। G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 यहां पे रख दिया। हाइट कितनी है, H की वैल्यू देखिए, H की वैल्यू आपकी 10 है, 10 यहां पे रख दिया। और T समय कितना है, 1 मिनट दिया था जिसको हमने सेकंड में चेंज किया, तो 60 सेकंड, तो समय T की वैल्यू 60 सेकंड ये मैंने यहां पे रख दी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पे 6 है, फिर × 10⁻³ लिखा हुआ है, फिर इसके बाद 10 × 10 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 10³ ये तो पहले से ही था, और देखिए 10 × 10 यहां पे है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 10⁵, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, देखिए 6 ये तो रहेगा ही, और इंटू में देखिए ये 10³ यानी 10⁴ था, और यहां पे 10 × 10 ये भी था, अब इसको हम एक में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁵ आपका हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में आपका 60 ये तो रहेगा ही, तो देखिए नीचे मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब आप लोग देख पा रहे होंगे इसको, अब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 6 × 1 = 6 हो जाएगा, और ये 6 × 10 = 60 आपका हो जाएगा, 10 नीचे 10 बचा है, अगर इस 10 को मैं कैंसिल करूंगा तो यहां से 1 आपकी कम हो जाएगी, 10⁵ से अब ये क्या हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे मैंने ये 10 कैंसिल कर दिया, तो 1 ऊपर भी तो हमें कैंसिल करनी पड़ेगी, तभी तो कैंसिल होगा ये, तो 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ हो जाएगा, और 10⁴ इसका मान ये किसमें आया हुआ है हमारा, 10⁴ वॉट आया हुआ है, क्योंकि हमसे यहां पे सामर्थ्य पूछा जा रहा है, तो सामर्थ्य का मात्रक यानी शक्ति का मात्रक आपका वॉट होता है, तो वॉट में आया हुआ है, तो 10⁴ वॉट है। अब इसको देखिए 10⁴ को हम क्या, 10⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 × 10, क्योंकि देखिए आपका कितनी पावर लगी यहाँ पे, 4 है ना, तो 10 × 10 × 10 × 10 करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें कितना मिल जाएगा, सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे 10,000 वॉट मिलेगा, क्या मिलेगा, 10,000 वॉट मिलेगा, क्योंकि देखिए 10 की मल्टीप्लाई 10 में करवाएंगे 100 की मल्टीप्लाई 10 में 1000 की मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे 10,000, यही तो मिलेगा, 10,000 वॉट हमें मिल चुका है। अब देखिए ये वॉट में आया है, इसको हम क्या करेंगे, किलोवाट में चेंज करेंगे, ध्यान रखिएगा अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, वॉट को हमें किलोवाट में चेंज करना होगा। तो देखिए मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि 1 किलोवाट बराबर आपका क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर आपका होता है 1000 वॉट होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे 10,000 वॉट है, तो 10,000 वॉट बराबर किसके हो जाएगा, 10 किलोवाट के हो जाएगा ना, 10 किलोवाट, यही तो होगा, बड़े आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10,000 वॉट था ना, अब जब इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो हमारा 10 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 किलोवाट बराबर आपका क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर आपका 1000 वॉट होता है, 1000 वॉट होता है ना। अब यहां पे देखिए 10,000 वॉट है, तो 10,000 वॉट में आपके कितने किलोवाट हो जाएंगे, 10 ही तो होंगे, बड़े आसानी से आप कर पाएंगे, तो 10 किलोवाट, चलिए ऑप्शन में चेक करते कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे रेगुलर क्लास नहीं लेते हैं, कल मैंने टेस्ट लिया था, कल मैंने आप लोगों का केमिस्ट्री का एक टेस्ट लिया हुआ था, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस ही अच्छी थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी, और कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि हम डेली क्लास नहीं ले पाते हैं, तो आप लोग क्लास क्यों नहीं लेते हैं, मुझे ये बताइए, आप लोगों के पास क्या 30 से 35 मिनट का समय नहीं होता है कि आप 30 से 35 मिनट क्लास ले पाएं, अगर आप 30 से 35 मिनट क्लास नहीं ले सकते तो पढ़ाई कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने यह कहा कि सर हमारे
हमारे टेस्ट में क्वेश्चन इसलिए सही नहीं हुए क्योंकि हम डेली क्लास नहीं ले पाते, तो आप लोगों के पास 30 से 35 मिनट का समय नहीं होता है। अगर 30 से 35 मिनट का समय आप नहीं निकाल पाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे और एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जब आप लोगों की क्लास हुआ करे तो आप लोग क्लास जरूर लिया कीजिए, ठीक है। अगर क्लास नहीं लेंगे तो फिर टेस्ट जब मैं आप लोगों का लूंगा तो वहां पर आप यही बहाना बनाएंगे कि सर मैंने क्लास नहीं ली थी इसलिए मैं टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, अच्छी परफॉर्मेंस मेरी नहीं हो पाई। तो ऐसे नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए भी अच्छे से, नहीं तो फिर आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि बाद में पढ़ लिया जाएगा, जब एग्जाम करीब आएगा तब पढ़ लिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ना आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस इतना लेंदी है ना, आप सोचेंगे कि एक महीने में पढ़ के मैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, डेली क्लास जरूर लिया कीजिए। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहां पे दिया है। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए दिया है ऊपर की यात्रा में, ऑप्शन बी दिया है अधिकतम ऊंचाई पर, ऑप्शन सी दिया है लौटती यात्रा में, और ऑप्शन डी दिया है तली में। ये आपके यहां पे ऑप्शंस दिए गए। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, यानी अधिकतम ऊंचाई पर, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे था कि एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह लौटकर पृथ्वी पर आता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी अधिकतम ऊंचाई पर, क्यों होगी ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा घटती जाती है तथा उतनी ही स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। और अधिकतम ऊंचाई पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, अतः अधिकतम ऊंचाई पर ही पत्थर की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा घटती जाती है तथा उतनी ही स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है, और अधिकतम ऊंचाई पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, अतः अधिकतम ऊंचाई पर ही पत्थर की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन यहां पे है कि किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्व शक्ति है, इसका तात्पर्य है। क्वेश्चन यहां पे है कि किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्व शक्ति है तो इसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया है इंजन 746 न्यूटन बल आरोपित करता है, ऑप्शन बी दिया है इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकेंड है, फिर इसके बाद ऑप्शन सी दिया इंजन द्वारा कुल किया जाने वाला कार्य 746 जूल है, और ऑप्शन डी आपका यहां पर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकेंड है, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक अश्व शक्ति का मान क्या होता है, ठीक है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह मैंने आपको थ्योरी पार्ट में कराया हुआ है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 746 वॉट होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वॉट। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 HP, ऐसे करके पूछ लिया जाएगा कि 1 HP
बराबर है। तो HP से मतलब क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर, क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर होगा। हॉर्स पावर इंग्लिश में बोलते हैं अश्वशक्ति को। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन लिखा हुआ मिल सकता है कि 1 HP बराबर होता है, HP से मतलब हॉर्स पावर होता है, तो 746 वॉट होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 746 जूल पर सेकेंड है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, यानी W की वैल्यू हमें यहां पे, वर्क हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या क्या पता है, हमें यहां पे फोर्स पता है कितना, F की वैल्यू हमें यहां पे 8 न्यूटन दी गई है, 8 न्यूटन ये पता है। फिर इसके बाद लिखा है कि 8 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। विस्थापन S की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहाँ पे 10 मीटर दी गई है। और हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया कि किए गए कार्य की गणना कीजिए, W की वैल्यू, यानी हमें यहाँ पे वर्क को निकालना है। तो W इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला F इंटू एस होता है, W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है। तो देखिए F की वैल्यू हमें 8 दी गई है और विस्थापन कितना दिया गया है हमें 10 मीटर, यानी S की वैल्यू 10 दी गई है। तो 8 इंटू 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 80, और किस में आएगा, जूल में आएगा, 80 जूल, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 जूल। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया गया है। तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे लिखा हुआ है कि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बता दिया था, कहा था इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर आपका आया हुआ है, क्वेश्चन यहां पर है कि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी p² / 2m, जो कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही बताया हुआ था जब मैंने आपको गतिज ऊर्जा पढ़ाया था, ये टॉपिक पढ़ाया था गतिज ऊर्जा वाला, डिटेल में पढ़ाया था और ये भी आपको बताया हुआ था। तो p² / 2m कहां पे दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे आते, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 2014 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कृत कार्य शून्य होगा यदि, ठीक है, यानी किया गया कार्य शून्य होगा यदि। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन ए दिया गया है बल और विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं, ऑप्शन बी दिया गया है कार्य और विस्थापन समांतर होते हैं, ऑप्शन सी दिया गया उस पर कार्य होता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है, जिन स्टूडेंट्स ने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा वो आज यहां पे क्वेश्चन को अपने आप ही सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बल और विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं, तो कृत कार्य शून्य होता है। ठीक है, यही यहां पे पूछा गया कि कृत कार्य शून्य होगा यदि बल और विस्थापन लंबवत दिशा में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यह भी क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक न्यूमेरिकल आपका दिया गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पे लिखा है कि एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है एक 6.0 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ जाता है, चढ़ते समय लड़के की शक्ति होगी, यानी हमसे यहां पे
पी की वैल्यू पूछी जा रही। शक्ति हमें यहाँ पे पावर यानी सामर्थ्य हमें यहाँ पे निकालना है, ध्यान रखिएगा। पी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे पता है। तो देखिए, द्रव्यमान, लड़के का द्रव्यमान कितना दिया है, 50 किलोग्राम, यानी एम की वैल्यू कितनी दी गई है, एम की वैल्यू हमें यहाँ पे 50 किलोग्राम दी गई है। तो एम की वैल्यू 50 किलोग्राम ये मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है, ये हमें पता है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि एक 6.0 मीटर लंबी या फिर आप 6 मीटर लंबी बोल सकते हैं। तो देखिए हाइट कितनी दी गई है, हाइट यहां पे 6 मीटर दी गई है, यानी एच की वैल्यू कितनी दी गई है, ऊंचाई कितनी दी गई है, 6 मीटर हमें यहां पे दी गई है, ठीक है, 6 मीटर ये मैंने यहां पे लिख दिया। चाहे 6.0 लिखिए चाहे 6 लिखिए, बात एक ही होगी, ध्यान रखिएगा 6 मीटर आपका। फिर उसके बाद यहां पे एक मिनट में चढ़ जाता है, समय कितना दिया गया है, समय टी, टी की वैल्यू हमें यहां पे 1 मिनट दी गई है, और 1 मिनट को हम चेंज करेंगे सेकेंड्स में तो क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, हमें इसको सेकेंड में चेंज करना होगा। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड आपका होता है, तो क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये हमें पता है। फिर हमसे पूछा गया कि चढ़ते समय लड़के की शक्ति यानी पी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, पावर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए P इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला आपका क्या होता है, P इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है W अपॉन T, ये होता है, और W इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एम जी एच। तो W की जगह हम क्या रखेंगे, एम जी एच, ये आपका हो जाएगा, और अपॉन में आपका T तो रहेगा ही, आप इसी एम जी एच में और T में सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे हम, ठीक है, सभी वैल्यूज को हमें यहां पे पुट करना है। तो देखिए M की वैल्यू 50 हमें दी गई है, ठीक है, 50 रखेंगे क्योंकि द्रव्यमान कितना दिया है, 50 किलोग्राम। जी की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए यहाँ पे जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए ये मैं इसको साफ कर देता हूँ, जो 50 मैंने लिखा, ये देखिए जी की वैल्यू आपको यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑलरेडी दी गई है, आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा। तो चलिए एम की वैल्यू को मैं यहाँ पे फिर से रख देता हूँ, 50 किलोग्राम ये हमें दी गई है, जी की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच की वैल्यू हाइट कितनी दी गई है, हाइट हमें 6 मीटर यहाँ पे दी गई है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद टी यानी समय कितना दिया है, 1 मिनट जिसको हमने चेंज किया था, तो हमारा 60 सेकंड आया हुआ था, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आया हुआ है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए ये 6 1 6 हो जाएगा, और ये 6 10 आपका 60 हो जाएगा, और ये 10 से ये 10 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, बचा केवल यहां पे 50, और 50 किस में आएगा, 50 वॉट, ठीक है, 50 वॉट यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शक्ति पूछी जा रही है हमसे यहाँ पे, सामर्थ्य यानी लड़के की शक्ति पूछी जा रही है, शक्ति का मात्रक वॉट यानी 50 वॉट यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन ए में। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, बस यहाँ पे ये वैल्यूज जो आपकी होती है नंबर्स चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आपका है, फॉर्मूला जो आपका है यही लगेगा, तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल दिया है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है कि एक तालाब से, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक तालाब से 120 मीटर, एक तालाब से 120 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में 10 घन मीटर, ठीक है, 10 घन मीटर जल आता है, यही टंकी एक पंप के द्वारा तालाब के जल से 3 घंटे 16 मिनट में भर जाती है। पंप की सामर्थ्य है, हमें पंप की सामर्थ्य यानी P की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, सामर्थ्य यानी शक्ति हमें यहाँ पे निकालना है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे हम जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान हमें कितना दिया गया, कैसे इसको निकालेंगे ये आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एक तालाब से 120 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में 10 घन मीटर जल आता है, कितना, 10 घन मीटर,
इतना जल आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जल का द्रव्यमान निकालेंगे, यानी m की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे। जब 10 घन मीटर जल आता है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किलोग्राम में। 10 घन मीटर को हमें चेंज करना होगा किलोग्राम में। कैसे चेंज करेंगे तो मैं आपको बता दूं, एक घन मीटर, ठीक है, एक घन मीटर बराबर आपका क्या होता है, तो एक घन मीटर बराबर आपका होता है 1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 किलोग्राम होता है। फिर 10 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 घन मीटर बराबर आपका हो जाएगा 10 × 1000 से हम यहां पे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में आपका ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10³ लिख सकते हैं ना, 10³ का मान ही तो 1000 होता है, तो 10 × 10³ किलोग्राम आपका हो जाएगा। तो हमने यहां पे द्रव्यमान निकाल लिया है, m की वैल्यू 10 × 10³ किलोग्राम ये हमें दी हुई थी। देखिए यहां पे घन मीटर था, हमने इसको चेंज किया है किलोग्राम में, सबसे पहले आपको यही करना था, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यहां पे जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 10 × 10³ किलोग्राम, ये मैंने यहां पे कर दिया ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 120 मीटर ऊंचाई पर, यानी हाइट कितनी दी गई है, 120 मीटर ऊंचाई हमें 120 मीटर दी गई है। तो देखिए ऊंचाई h इज इक्वल टू 120 मीटर यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखते हमें यहां पे समय कितना दिया है, फिर देखिए यहां पे लिखा कि यही टंकी एक पंप के द्वारा तालाब के जल से 3 घंटे 16 मिनट में भर जाती है, यानी टी की वैल्यू 3 घंटे यानी 3 आवर्स और यहां पे 16 मिनट्स दी हुई है, ठीक है, 16 मिनट्स ये हमें यहां पे दी गई है। तो चलिए नीचे इसको मैं लिख देता हूं, तो देखिए ये समय t इज इक्वल टू 3 घंटे 16 मिनट दिया गया है। अब देखिए मिनट में आपका है, तो देखिए 3 घंटे को भी हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 3 घंटे में आपके 180 मिनट होंगे, 180 मिनट होंगे ये हो जाएगा, और प्लस यहां पे 16 मिनट आपका और दिया गया है, ये तो पहले से ही मिनट में है, तो 180 और 16 करेंगे तो 196 मिनट आ जाएगा ना। तो देखिए 196 मिनट पूरा हमने मिनट में चेंज कर लिया। अब इसी मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकंड होता है, ये आप सबको पता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो फिर 196 मिनट में क्या करेंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 196 × 60 और सेकंड में आपका चेंज हो चुका है। हमें यहाँ पे पंप की सामर्थ्य P की वैल्यू को निकालना है, ठीक है, P की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो P इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन T, और W इज इक्वल टू MGH और अपॉन में T, ये तो आपका रहेगा ही। अब सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखिए एम की वैल्यू द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया है, 10 × 10³ किलोग्राम, तो यहां पे रख दिया 10 × 10³, ये लाके रखा m की जगह। g की वैल्यू आपको यहां पे क्वेश्चन में नहीं दी गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो जब g की वैल्यू नहीं दी गई है तो g की वैल्यू हम रखेंगे यहां पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको अपनी तरफ से रखना होगा। जब वैल्यू नहीं दी होती है तो हम क्या करते हैं, यहां पे g की वैल्यू को अपनी तरफ से पुट करते हैं, तो हम यहां पे g की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि दी तो हुई नहीं है, यहां पे हमें अपने तरफ से रखना होगा यहां पे। तो g की वैल्यू मैंने यहां पे 9.8 रखी हुई है, ठीक है, ये मैंने यहां पे रख दी। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आपकी g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी होती है और कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई होती है, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं दिया गया था। जब कुछ भी नहीं दिया होता तो हम रखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू हम यहां पे 9.8 रखेंगे, रख दिया मैंने। और एच हाइट कितनी दी गई है, हाइट हमें 120 दी हुई है, 120 मीटर ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है आपका, तो 120 मीटर हमें दी हुई थी, ये मैंने यहां पे रख दिया। फिर अपॉन में टी, यानी समय, समय हमें दिया था 3 घंटे 16 मिनट, पहले मिनट में चेंज किया 196 मिनट आया, फिर सेकंड में, तो 196 × 60 आया हुआ था सेकंड, ठीक है, तो 196 × 60 ये मैंने यहां पे टी की वैल्यू को रख दिया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, देखिए ये 60 51 60 और 60 दूनी 120,
ये होता है ना, 4 × 120 यही तो होगा। अब देखिए ये 2 × 1 = 2 आपका हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 × 9 = 18 एक इधर जाएगा, 2 × 8 = 16 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9.8 है, जब इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो नीचे आपका 10 बढ़ जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या 8 आपकी थी तो इसीलिए नीचे 10 बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 98 एक बार करेंगे, 98 98 10 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 980 यहां पे सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 10 से ये 10 आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल 10^3 और 10^3। 10^3 का मान क्या होता है, आप 10 × 10 × 10 करेंगे, तीन बार करेंगे ना, क्योंकि पावर 3 है तो 10 × 10 = 100 और फिर देखिए 100 × 10 आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10 × 100 = 1000। 1000 और किस में आएगा, हम लोग यहाँ पे सामर्थ्य निकाल रहे हैं तो वॉट में आएगा, ठीक है वॉट में आएगा, यानी 1000 वॉट, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 1000 वॉट दिया कहाँ हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको यहाँ पे चेंज करना था, पहले आपको द्रव्यमान निकालने के लिए जो घन मीटर में दिया हुआ था यही पे आपको ध्यान रखना, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस चैप्टर में आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स ही दिए गए हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहां पे है कि एक घोड़ा क्षैतिज से 60° के कोण पर, यानी 60° के कोण पर 40 N का बल लगाता हुआ पीछे बंधी गाड़ी को 7.2 km/h यानी 7.2 km/h की चाल से खींचता है। इस घोड़े ने 10 मिनट में कुल कितना कार्य किया, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पे वर्क निकालना है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फोर्स पता है, एफ की वैल्यू 40 N ये यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बल, एफ की वैल्यू 40 N हमें दी गई है, थीटा की वैल्यू 60°, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि 60° के कोण पर, तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे 60° दी गई है, तो 60° ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे समय कितना दिया गया है, समय हमें यहाँ पे दिया हुआ है 10 मिनट, ये देखिए 10 मिनट में पूछा गया कि कुल कितना कार्य किया, तो देखिए 10 मिनट ये हमें समय यहाँ पे दिया हुआ है, समय कितना दिया गया है हमें यहाँ पे 10 मिनट दिया गया। अभी आगे चल के इसको हम सेकंड में चेंज कर देंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे 10 मिनट ही लिखा रहने दीजिए, अभी आगे हम इसको 10 मिनट को सेकेंड में चेंज कर देंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। और चाल हमें कितनी दी गई है, चाल देखिए ये चाल हमें दी गई है 7.2 km/h ये दी गई है, तो देखिए यहाँ पे चाल v की वैल्यू हमें कितनी दी गई, चाल कितनी दी गई है 7.2 km/h ये हमें दी गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, ये आपको ध्यान रखना है, क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज करने वाले हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे यही करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखिए 7.2 ये आपका दिया हुआ है ना, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे 5/18 से, ठीक है ध्यान रखिएगा 5/18 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। हम क्या करते हैं, देखिए जैसे किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका यहाँ पे है 7.2, ठीक है 7.2 km/h है, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे 5/18 से, ठीक है 5/18 से हम यहाँ पे
मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए 7.2 लिखा है, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आपका यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या आपकी दी हुई थी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 1 5, ये 5 3 15, 3 इधर जाएगा तो ये 30, यानी 5 6 30 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 36 हो गया। अब ये 36 1 36 और 36 2 72, तो कितना आ गया 2 और मीटर पर सेकंड में अब आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है, तो 2 मीटर पर सेकंड ये देखिए ऐसे आपका आया हुआ था, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो चाल दी गई थी किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड हो गया ना, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दूरी निकालेंगे, ठीक है, दूरी निकालेंगे। तो दूरी एज इज, एस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दूरी बराबर आपका चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, चाल और गुणे में समय आपका होता है, यही तो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल गुणे समय। तो देखिए चाल हमने मीटर पर सेकंड में कितनी निकाली, 2 निकाली है ना, तो 2 आपका हो जाएगा यहां पे। और समय कितना दिया हुआ था, समय हमें क्वेश्चन में दिया है 10 मिनट, क्या दिया था 10 मिनट दिया था, 10 मिनट को अब हम चेंज कर लेंगे सेकेंड में, ठीक है। 10 मिनट दिया था, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो सेकंड में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट बराबर आपका क्या हो जाएगा, 60 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे बस, और ये आपका जो समय था अब सेकंड में चेंज हो चुका है। तो 2 × 10 × 60 ये आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 10 करेंगे, 10 × 20 आपका आएगा ना, 2 × 10 करेंगे 20 और 60 और 20 × 60 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1200, ठीक है, 1200 और मीटर में आपका आया हुआ, क्योंकि दूरी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो 1200 मीटर हमें यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू मिल गई, एस की वैल्यू, दूरी हमें क्या मिल गई, 1200 मीटर मिल चुकी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दूरी हमें कितनी मिल गई, 1200 मीटर, ये हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे कार्य निकालना है ना, यही तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि कितना कार्य किया 10 मिनट में, कुल कितना कार्य किया घोड़े ने, ये हमसे पूछा गया है। तो कार्य W इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यही तो यूज होगा हमारा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा वाला, यही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू भी तो हमें यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए एफ की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, F की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 40, तो F की जगह 40 को रख देंगे। S हमने कितना निकाला अभी, S हमने 1200 मीटर निकाला। देखिए S की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी ही पड़ेगी, तभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, तभी हम यहाँ पे कार्य निकाल पाएंगे। तो देखिए 1200 मीटर था, तो 1200 यहाँ पे रख दिया, ये आपका हो गया। फिर इंटू कॉस थीटा है, तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दी गई है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कॉस 60 डिग्री ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 40 और गुणे 1200 ये आपका ऐसे रहेगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 यानी 1/2 होती है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये 2 1 2 आपका हो जाएगा, 2 6 12 और 2 0 तो आपका यहाँ पे रहेगा ही। तो बचा क्या, अब हमारे पास बचा यहाँ पे 40 × 600 × 1, 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो क्या बचेगा, 40 × 600 करवाएंगे हम यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, 2400 और जूल में आपका आएगा, जूल में आपका आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 24,000 जूल, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस 3 से 4 बार कर लीजिएगा। और खासकर आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, जो आपकी यहाँ पे चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 24,000 जूल। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन यहां पे है, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 20 किलोवाट का इंजन 240 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर ऊंचा कितनी देर में उठाएगा। यानी हमें यहां पे टी यानी समय यहां पे हमें निकालना है, और जी की वैल्यू यहां पे आपको 10 m/s² ऑलरेडी यहां पे दी गई है, ठीक है, ये यहां पे दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई है। तो सबसे पहले हमें यहां पे सामर्थ्य पता है, सामर्थ्य यहां पे क्या दिया है, 20 किलोवाट का इंजन, यानी इंजन की सामर्थ्य कितनी दी गई है, सामर्थ्य पी की वैल्यू
20 किलोवाट हमें दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है? 20 किलोवाट, या फिर इसको अगर हम वाट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 1 किलोवाट बराबर आपका क्या होता है? 1000 वाट होता है। ये आपने अभी मैंने आपको ऊपर कई बार बताया, आप लोगों को लर्न हो गया होगा, थ्योरी पार्ट में भी मैंने आपको बताया था। तो फिर 20 किलोवाट बराबर आपका क्या हो जाएगा? 20 किलोवाट बराबर आपका क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पे 20 और यहाँ पे 1000 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे बस। तो 20 गुणे 1000 जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 20,000 मिलेगा ना। तो हमने इसको चेंज कर लिया, 20,000 वाट ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यानी सामर्थ्य पी हमें 20 किलो वाट दिया हुआ था, चेंज करने पर हमें यहाँ पे 20,000 वाट ये यहाँ पे मिल गया ना, वाट में चेंज कर लिया। अब इसके बाद देखिए हाइट कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है 50 मीटर ऊंचा दिया हुआ है, यानी एच की वैल्यू हमें 50 मीटर दी हुई है। फिर इसके बाद देखिए द्रव्यमान कितना दिया है, 240 किलोग्राम, एम की वैल्यू 240 किलोग्राम ये हमें यहां पे दी गई है। तो एम की वैल्यू की जगह मैंने 240 किलोग्राम ये यहां पे लिख दिया, और हमें यहां पे निकालना है कितनी देर में उठाएगा, यानी समय टी की वैल्यू को हमें यहां पे निकालना है, और जी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी आपको यहां पे दी हुई है। तो यहां पे देखिए बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सामर्थ्य बराबर क्या होता है, P इज इक्वल टू आपका W अपॉन T होता है, और W इज इक्वल टू आपका MGH अपॉन T होता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें यहां पे P नहीं, हमें यहां पे T निकालना है, समय निकालना है। तो T इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाएगा MGH, और अपॉन में यहां पे आपका P आ जाएगा, जो P है ना ये आपका अपॉन में आ जाएगा। तो समय T इज इक्वल टू एम जी एच और अपॉन में P हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले, जो कि आपका इसी बेसिक फॉर्मूले की हेल्प से आया हुआ है। तो T इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन P, तो M की वैल्यू द्रव्यमान कितना दिया गया है, 240 रख दिया यहाँ पे, G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दिया यहाँ पे, हाइट कितनी दी है 50 मीटर रख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद टी को हम देखेंगे, तो यहां पे देखिए टी तो यहां पे आपका बेसिक फॉर्मूले में दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला यहां पे समय टी ये तो हमें निकालना ही है। तो टी इज इक्वल टू एम जी एच अपॉन पी होता है, तो देखिए पी हमारा यहां पे दिया हुआ है, तो पी आपका देखिए सामर्थ्य आपको दिया हुआ है 20 किलो वॉट ना, ये दिया था, इसको हमने चेंज किया था वॉट में, तो क्या आया था 20,000 वॉट आया हुआ था। तो P की जगह हम क्या रख देंगे, 20,000 रख देंगे, क्योंकि वॉट में हमने इसको ऑलरेडी चेंज कर लिया है, तो यहां पे इसीलिए मैंने पहले चेंज कर दिया था, नहीं तो हमें यहां पे चेंज करना होता। तो यहां पे देखिए 20,000 ये मैंने रख दिया, P की जो सामर्थ्य है, P की वैल्यू मैंने यहां पे क्या रख दी, 20,000 रख दी ना। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब देखिए 5 यहां पे है, तो ये 5 1 5 हो जाएगा, और ये 5 4 20 आपका हो जाएगा, ये पूरा यहां पे कैंसिल हो चुका है, ये 4 1 4 और ये 4 6 24, यानी टी की वैल्यू हमारी क्या निकल गई यहां पे, टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6 सेकेंड हमें यहां पे मिला सॉल्व करने पर। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन ए में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। बस आपको यहां पे ये ध्यान रखना है, देखिए बेसिक फॉर्मूले के हेल्प से P इज इक्वल टू W अपॉन T और W इज इक्वल टू MGH अपॉन T होता है, इसी के हेल्प से हमें यहां पे समय T निकालना था, तो इसी के हेल्प से हमारा फॉर्मूला आया T इज इक्वल टू MGH और अपॉन में P आया। ठीक है, ये हमारा आया हुआ था, इसी में वैल्यूज को रख दिया, सॉल्व करने पर 6 सेकंड हमारा आ गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 13 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, और सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर आप लोगों का काफी लेंथी है, करीब यहाँ पे 50+ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं सभी क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करवा पाऊंगा यहाँ पे, नहीं तो फिर ये चैप्टर खत्म होने में काफी टाइम लगेगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, और कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी सॉल्व करने होंगे। देखिए क्वेश्चंस आपके सेम कॉन्सेप्ट के होते हैं, एक कॉन्सेप्ट का मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आज 13 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, अब जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।